पूरे भारतवर्ष में कारगिल दिवस को 21 वर्ष बीत चुके हैं। बता दें कि हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने आज से ठीक 21 साल पहले भारत की सीमाओं पर घुसपैठ की थी, जिस वजह से दोनों देशों के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें बहुत से भारतीय सैनिक शहीद हुए और 26 जुलाई को ये युद्ध सम्पन्न हुआ, जिसमें भारतीय सेना को जीत हासिल हुई। वहीं हर वर्ष इस दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धर्मशाला के राजा युद्ध स्मारक समिति के अध्यक्ष कर्नल कुंवर कमलजीत सिंह डडवाल ने कहा कि काफी खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी के साथ थोड़ा उदास भी है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जवानों ने शहादत दी थी। उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी सावधानी बरती जा रही है, इसके अलावा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करवाया जा रहा है। अगर कोई भी नागरिक यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है तो यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। वहीं आज बहुत से लोगों ने यहाँ आकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट कारगिल में बहुत अहम विजय हासिल की, और इस खुशी के साथ साथ हम थोड़ा उदास भी हैं, क्योंकि उस विजय को हासिल करने के लिए बहुत सारे हमारे फौज के ऑफिसर्स और जवान और जेसीओज ने अपनी जान की शहादत दी। तो आपने देखा होगा कि हमने ये फंक्शन शुरू करने से पहले उन जवानों के, उन ऑफिसर्स के, उन जेसीओज के श्रद्धांजलि पहले अर्पित की, और फिर अभी हम थोड़ी सी मीटिंग करेंगे कारगिल डे के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस बार हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि हम कोई बड़ी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, पर ये फिर भी खुला है, जो अपनी मन मर्जी से यहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और आपने देखा कि आज भी ऐसे बहुत सारे इस देश के वासी हैं जो कि अपनी रिस्क पर आकर यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी।